नमस्कार। जीवन में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो ना, तो पता है आपको, किसी भी फील्ड में, चाहे नौकरी में हो या चाहे बिजनेस में हो या चाहे खेल में हो या चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो ये छह चीजें सक्सेस मांगती है आपसे। अगर ये छह चीजें, अगर आप सक्सेस को देने के लिए तैयार हो ना, तो सक्सेस आपको गले लगाएगी। इन छह चीजों के बिना आप अपने जीवन में कभी सक्सेस नहीं पा सकते हो। पहली, मेहनत। सक्सेस आपसे जी तोड़ मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। सक्सेस ये नहीं है कि आप चार घंटे पांच घंटे काम कर रहे हो, नहीं, आपको दस दस पंद्रह पंद्रह घंटे काम करना होगा। एक खिलाड़ी होता है, वो कितना समय अपने खेल को देता है, तब जाके उसको सक्सेस मिलती है। वो पंद्रह पंद्रह बारह बारह घंटे वो प्रैक्टिस करता है, वो अपनी सारी मेहनत उस खेल में दे देता है, तब जाके उसको सक्सेस मिलती है। एक बिजनेसमैन, वो चार या पांच या सात घंटे काम नहीं करता है, वो पंद्रह पंद्रह घंटे अपने बिजनेस में काम करता है, तब जाके उसको बिजनेस में सफलता मिलती है। तो अगर आपको जीवन में सक्सेस पाना है, तो आपको मेहनत करनी होगी और जी तोड़ मेहनत करनी होगी। सेकंड, बलिदान। आपको कुछ चीजों का त्याग करना होगा, आपको अपने एक्स्ट्रा समय का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप खेल में हो, तो खिलाड़ी को खाने पीने चीजों का त्याग करना होगा, क्योंकि उसके शरीर के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। उसको ऐसी चीजें खानी पड़ेगी जो उसके शरीर को स्ट्रांगनेस बनाए। अगर आप बिजनेस में हो, तो आपको अपने परिवार, आपको अपने समाज और आपको अपने लिए कम समय देना होगा। ऐसे छोटे छोटे त्याग आपको करने पड़ेंगे, ऐसे बलिदान आपको करने पड़ेंगे, तभी आप फील्ड में सक्सेस पा पाओगे। कहते हैं, जब साइना नेहवाल ने ओलंपिक में मेडल जीता था ना, तब उसने चार साल तक अपनी पसंदीदा चीज पिज्जा नहीं खाई थी, और जब मेडल जीत के घर पे आई थी ना, तब उसने सबसे पहले पिज्जा ऑर्डर किया था। तो यह होता है त्याग, यह होता है बलिदान। अगर आप कोई लक्ष्य पाने की तमन्ना रखते हो, तो उसके लिए आपको हजारों त्याग करने पड़ेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। थर्ड, संघर्ष। सक्सेस आपसे संघर्ष खूब मांगेगी। संघर्ष चाहे आर्थिक हो या पारिवारिक हो या किसी भी फील्ड में हो, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। विदाउट संघर्ष आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। जीवन में ऐसी बहुत सारी कहानियां भरी हुई पड़ी है, जहां पे लोग हजारों तरह के संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और सफलता के शिखर पर पहुंचे। बिना संघर्ष के आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। और कभी आपने देखा है कि बिना संघर्ष के किसी को सफलता मिली है? नहीं। हजारों तरह की रुकावटें आएगी उनके पास में, चाहे वो आर्थिक रुकावटें हो, चाहे वो पारिवारिक रुकावटें हो, या हर तरह की रुकावटें उनको मिलेगी, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं और सफलता के टॉप पर पहुंचते हैं। आप किसी भी खिलाड़ी को देखिए, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखिए, या जो कोई किसी फील्ड में सक्सेस व्यक्ति है उसको देखिए और उससे पूछिए, क्या आपने यह सक्सेस बिना संघर्ष के पाई है? तो ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं होगा विश्व में जो कहेगा कि मैंने बिना संघर्ष के सफलता पा ली। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव। फोर्थ, जुनून। आपको अगर सक्सेस पानी है, तो अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना जरूरी है। सक्सेस आपसे जुनून मांगती है। आपको सोते उठते बैठते हर वक्त ख्यालों में सिर्फ आपका सपना ही दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य पाना है, मुझे वहां टॉप पर पहुंचना है। एक जुनून अपने लक्ष्य के प्रति पैदा करना होगा। जब ये जुनून आपके रोम रोम में बस जाएगा ना, तब आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखेगा। जब अर्जुन महाभारत में मछली की आंख में तीर मारता है, तब अर्जुन आसपास की सारी चीजों को भूल जाता है।
सिर्फ उसका लक्ष्य होता है कि मछली की आंख, और वो सिर्फ उसी को देखता है। तो ये उसका जुनून होता है, वो आसपास की चीजों को नहीं देखता है। ऐसा ही जुनून आपको क्रिएट करना होगा। जब ये जुनून आप क्रिएट करेंगे ना, तभी आप सक्सेस को पा पाओगे। फिफ्थ, धैर्य। बिना धैर्य के कभी किसी को सक्सेस नहीं मिली है। आप किसी बड़े बिजनेसमैन के अगर पूछेंगे ना, आप देखोगे यार वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और उसने इतनी बड़ी सफलता पा ली, लेकिन आप उसके जीवन के बारे में जब जानोगे ना, तो उसने कितना धैर्य रखा वो वही बता पाएगा। जब आप जीवन में कुछ भी आगे करने के लिए बढ़ते हो ना, तो हजार तरह की मुश्किलें, हजार तरह की निराशाएं, हजार तरह के नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आएंगे, और हजारों तरह की आपको असफलता मिलेगी। लेकिन अगर उन असफलताओं में अगर आपने धैर्य रखा, उस वक्त उन नकारात्मक विचारों से आपने अपने दिमाग को दूर रखा और सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में भरा, तब ध्यान रखना कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सक्सेस आपसे धैर्य मांगती है। क्या किसी को साल दो साल में सफलता मिल जाती है? नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत होती है। और सिक्स, विश्वास। अगर आप टीम वर्क कर रहे हो ना, अगर आप बिजनेस में हो और अगर आपको टीम वर्क है, तो अगर आपको अपने टीम वर्क पर विश्वास करना होगा, और आपको अपने आप स्वयं पर भी विश्वास करना होगा, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। विश्वास सबसे बड़ी चीज है सक्सेस में। अगर आपको अपने आप पर स्वयं पर विश्वास नहीं होगा ना, तो आप सक्सेस कैसे पा पाओगे? नहीं, कभी नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में ये छह बातें हमेशा याद रखना। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पानी है ना, तो सक्सेस आपसे ये छह चीज़ें मांगेगी। और जब ये छह चीज़ें आप देने के लिए तैयार हो ना, तो ये दावा है मेरा कि आप किसी भी फील्ड में हो, सक्सेस आपको अवश्य मिलेगी।